नीट पेपर लीक के विरोध में श्योपुर में कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन। कोतवाली पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। खबर श्योपुर से है, जहां अभी हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। श्योपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन यह प्रदर्शन किया है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश के अंदर जब से मोदी की सरकार बनी है, तब से ही करीब 10 साल से पूरे देश के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्तियां कर दी हैं। यही रैकेट पूरे देश के अंदर शिक्षा माफिया बन गया है। अतुल चौहान ने कहा है कि पिछले 8-10 सालों से पेपर लीक होते रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है, उनके साथ उनके परिवारों को भी इन घोटाले में पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। इतना पैसा लगाकर बच्चों को उनके माँ बाप सहित पूरा परिवार पढ़ाता है, मगर पेपरों को एजेंसियों पैसे लेकर बेच देती है। और भी कई गंभीर आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी की शिक्षा में लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के साथ ये खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों के साथ ये करो, बंद करो, असली नौकरी बनाना बंद करो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घोटालों की ये सरकार नहीं चलेगी। केंद्र से दो दो केंद्रों से छह छह बारह बारह लड़के निकले हैं, तो स्पष्ट रूप से ये धांधली दिखाई दे रही कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो लोग बिठा ले गए हैं इसके अंदर शिक्षा माफिया, वो कहीं ना कहीं इसमें करोड़ों अरबों रुपए का खेल कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी देखिए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है 10 साल से, पूरे देश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं बड़े बड़े, उसमें 22 चांसलरों की नियुक्तियां इन्होंने अपने लोगों की कर दी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की। अब यही रैकेट पूरे देश के अंदर शिक्षा माफिया बन गया है। आज आपने देखा होगा कि कई जगह पे पूरे प्रदेश में पिछले 10 सालों में 8 सालों में पेपर लीक होते रहे हैं और छात्रों का भविष्य खिलवाड़ होता रहा है, उनके साथ उनके परिवारों के हित भी पूरी तरह से कमजोर होते गए हैं। कितना पैसा लगा करके माँ बाप पढ़ाते हैं, पूरे भाई बहन सब लोग, पूरा एक पूरा परिवार उनको पढ़ाता है, एक बच्चे को आज कितना पैसा उन पर लाखों रुपये खर्च करता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा माफिया जो पूरे तरह से बिहार में अभी देखा गया है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है बीजेपी की, सब जगह नीट परीक्षा में जो 24 लाख विद्यार्थी इस देश के बैठे थे उनके पेपर लीक किए गए और करोड़ों रुपए अरबों रुपए का इसमें व्यापार किया गया। इस भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा माफिया का गठजोड़ इस व्यापार से जुड़ा हुआ है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम आज, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है पूरे इस प्रकरण में। 24 लाख विद्यार्थी पूरी तरह से सड़कों पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है, उनकी चुप्पी रहस्यमयी है। इस मामले को पूरी तरह से परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के आए हैं और जो इसमें 24 लाख बच्चों को पैसा खर्चा हुआ है उसकी माफ़ी करी जाए पूरी फीस की। और इसमें कई बच्चों ने जो इसमें सुसाइड किया है, इसका पूरा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के उन माफिया लोगों पर दर्ज होना चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसी मांगों को लेकर के, और मध्य प्रदेश के अंदर नर्सिंग घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री और तमाम वो लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा घोटाला किया है उसको लेकर के हम लोग आज ये राष्ट्रपति को ज्ञापन, राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं।